उत्तरवार समेत देश भर के इन राज्यों में बारिश के आसार हैं। पश्चिमी क्षोभ फिर से पश्चिमी हिमालय की ओर बढ़ने के लिए तैयार। इसी पश्चिमी क्षोभ के प्रभाव से बारिश और बर्फबारी उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में मौसम की स्थिति को बहुत अच्छा बनाए हुए है। 8 फरवरी को एक नया पश्चिमी क्षोभ आ रहा है, जिसके काफी सक्रिय होने की उम्मीद है, मजबूत होगा। इसी सिस्टम से जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड सहित पूरे पहाड़ी क्षेत्रों को बारिश और बर्फबारी दे सकता है। श्रीनगर, गुलमर्ग और यहां तक कि मनाली और आसपास के क्षेत्रों सहित मध्य क्षेत्रों में भी बर्फबारी देखी जा सकती है। मौसम की ये गतिविधियां 8 फरवरी से शुरू हो जाएंगी और 9 फरवरी को सबसे ज्यादा होने की उम्मीद है। 10 और 11 फरवरी को भी बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। वहीं पंजाब और हरियाणा राज्य की बात करें तो पठानकोट, चंडीगढ़, गुरदासपुर, जालंधर, अम्बाला और आसपास के क्षेत्रों सहित पंजाब और हरियाणा की तलहटी वाले भागों में बारिश देखने को मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में 9 और 10 फरवरी के दौरान राज्य में आंशिक बादलवाही रहने और कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है। राजस्थान राज्य में बुधवार को कई शहरों में बूंदाबांदी के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार से पश्चिमी क्षोभ की सक्रियता से एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ लगातार तापमान में बढ़ोतरी भी नजर आ रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन राज्यों में आने वाले 2 से 3 हफ्तों में बारिश की कोई संभावना नहीं है। 11 फरवरी के बाद से पश्चिमी क्षोभ पहाड़ी राज्यों को साफ करना शुरू कर देगा। तापमान में गिरावट आएगी। दिन का तापमान 24 डिग्री के सामान्य स्तर पर वापस आ जाएगा और न्यूनतम एक बार फिर से घटकर 9 डिग्री यानी कि 1 अंक तक भी आ सकता है। इसी अवधि के दौरान तेज सतही हवाएं भी चल सकती हैं।